हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ रिक्लाइनर चेयर। आपको पता ही है कि मेरी नेचर है कि मैं कोई भी एक चीज़ लेती हूँ नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसको शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ। तो मैंने रिक्लाइनर चेयर लिया है, मुझे हो गया है कुछ दिन, मुझे बिजी होने की वजह से मैं नहीं दे पाई आपके साथ इसका रिव्यू, तो आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखो, आजकल भाग दौड़ की लाइफ है और जब हम जॉब से आते हैं या कोई काम करके हटते हैं तो हमें थकावट हो जाती है, हर एक को थकावट हो जाती है। तब इंसान का दिल करता है कि वो कुछ ऐसा हो जहाँ उसको रिलैक्स मिले। तो मुझे ये चीज़ इतनी पसंद थी, इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लिया जाए। और मैंने जब से लिया, आप मानोगे कि मैं जब भी काम से फ्री होती हूँ ना तो मैं 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठती हूँ रिलैक्स होने के लिए। तो बहुत ही अच्छी ये मेरे को आइटम लगी है, यानी बहुत अच्छी चेयर लगी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिक्लाइनर चेयर है जो ऑनलाइन आपको सस्ता भी मिल जाएगा, यानी 15-16 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। इसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, मैनुअल भी होता है और बिजली के साथ चलने वाला भी होता है, ऑटोमेटिक भी यानी होता है। तो मैंने जो है मैनुअल लिया क्योंकि मुझे मैनुअल भी बहुत इजी लगा था, मुझे ऐसे कोई मतलब लगी नहीं कि मैं नेसेसिटी की मैं इसको ऑटोमेटिक लूँ, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए इसको लिया। लेकिन ये मुझे मिला है जो वो 30,000 का मिला है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी जगह से, बहुत सुपीरियर इसके ऊपर हर चीज़ जो लगी हुई है, इसका मटीरियल जो होता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो फंक्शन तो आपको फीचर्स तो सेम मिल जाएंगे लेकिन मटीरियल के ऊपर आके फ़र्क हो जाता है। तो इसका मटेरियल है, जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इतना पे नहीं कर सकते तो आपको सस्ता भी ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा, मैंने अपने यहीं से शोरूम से लिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो देखो आप, तो आपको ये पूरा चेयर दिख रहा होगा इसमें। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक ये बटन है, इसको जब हम खींचेंगे तो ये खुल भी जाएगा। तो मैं करती क्या हूँ, जब मैंने लेटना है ना तो मैं इसको कर देती हूँ पीछे इस तरह से, और यहाँ रख लेती हूँ सोफे की गद्दी, ठीक है। तो इस तरह से सोफे की गद्दी रख के मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल लेटने जैसा, ऐसे बहुत बहुत अच्छा। देखो ये आगे पीछे ऐसे हिल रही है, बहुत रिलैक्स मिल रहा है। ये रिवॉल्विंग भी है, इस तरह से ये घूम जाती है चारों तरफ, जिधर मर्जी आप इसको मूव कर ले, इस तरह से घुमा लें, ठीक है, चारों तरफ ये घूम जाती है। तो एक तो ये इसका फीचर हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स देने वाला। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये इसका साइड है ना, ये इसको बड़े हमें इजीली, बड़े ही इजीली ऐसे खोलना, ये देखो आपको दिख रहा है, तो ये पूरी तरह से खुल गई और अपने थोड़ा सा ऊपर होके अपने ही सिर के बल इस तरह से हम अपने ही जोर से पीछे करें तो हम बिल्कुल लेटने वाले हिसाब से इसके ऊपर लेट सकते हैं। तो इतनी रिलैक्सफुल ये चेयर मुझे लगी है कि मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कैसे ना करूं। अब इसको हमें बंद करना है तो अपने ही घुटनों के साथ, अपने ही टांगों के साथ इसको हल्का सा इस तरह से कर देना, तो ये हो जाती है इस तरह से लॉक। तो अब आप बताओ, मुझे ऑटोमेटिक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि अपने आप में इतनी अच्छी थी कि बहुत ईजी है, जब हम यहाँ से खोलते हैं तो बहुत ईजीली खुल जाती है और बहुत ईजीली लॉक भी हो जाती है। तो आपने देखा कितनी रिलैक्सफुल ये चेयर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने आपको झूले का रिव्यू दिया था ना, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, और आज तक देख लो, मैंने अभी भी एक झूले की वीडियो डाली है तो आप तक पहुँच जाएगी कि मैंने उसको कैसे एकदम नया लुक भी दिया है। तो अब तक वो झूला मेरे पास है, मैं बहुत ईजीली वहाँ पर बैठती हूँ झूले के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा झूले के बारे में और मैंने कमेंट के सारे जवाब भी दिए और बहुत से लोगों ने खरीदा भी, तो आज मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपको बताया। हाँ ये बात है कि ज़रूरत तो आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इतनी पे नहीं कर सकते ज़्यादा तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सिर्फ फैब्रिक में हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है, या मटीरियल में फ़र्क हो सकता है, या डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वहाँ आपको 15-16 हज़ार तक ईजीली मिल जाएगी। 15-16 से स्टार्ट हो जाती है, जो आपको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपको जो पसंद हो। आप अमेजोन पे जाके रिक्लाइनर चेयर लिखोगे तो आपको सारी रिक्लाइनर चेयर्स आ जाएंगी, हर रेट की जो आपको पसंद आए आप परचेज कर सकते हो।
तो ये जब मैंने पसंद किया था तो मैंने बैठ के जाके पसंद किया था, मैरून कलर का था जो मैंने पसंद किया, तो फिर मैंने स्पेशली उनको ऑफ वाइट कलर का बनवाया क्योंकि मेरे यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफ वाइट चलना था, तो मैंने ऑफ वाइट बनवाया। और आप सोचोगे कि ऑफ वाइट कलर है तो इसको साफ करना मुश्किल है, लेकिन नहीं, इसको साफ करना मुश्किल नहीं है। आप गीला कपड़ा लें या सर्फ वाला कपड़ा लें और इसको साफ कर सकते हैं, तो मतलब ये वॉशेबल भी हुआ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।